आज लोकतंत्र का महापर्व है, आज जनता का दिन है और आज जनता चुनेगी कि किसकी लोकसभा 2024 में बनेगी सरकार। आज पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है और जम्मू कश्मीर के कठुआ लोकसभा सीट पर आज पहले फेज में वोटिंग होगी। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वोटिंग होगी, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, साथ में रामबन जो है वहां पर ये वोटिंग होने जा रही है। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर इलाके में और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कुछ कुछ गांव वाले भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल जो है वो कर सके। आपको बता दें कि कठुआ उधमपुर सीट पर तकरीबन 16,20,000 से ज़्यादा वोटर जो है वो यहाँ पर रजिस्टर है। उसके साथ साथ 2,637 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें कि क्योंकि कठुआ का इलाका जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका भी पड़ता है और वहाँ पर तकरीबन 25 पोलिंग स्टेशन जो है वो बॉर्डर के इलाके में बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो अपना वोट कास्ट कर सके। आपको बता दें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए, सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी बना कांग्रेस और साथ में डीपीएपी जो कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है उसमें जीएम सरूरी को डीपीएपी की तरफ से चुना गया है। इन 3 कैंडिडेट्स के बीच में सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपना वोट कास्ट करने। 7 बजे से वोटिंग होगी, आप पहले से ही तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसे ही 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो हम वोट कास्ट करेंगे। आज आप ही लोगों का दिन है, लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वोट कास्ट करें? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना कीमती वोट जो है वो डालें। तो यहाँ पे आप लोगों को सुन सकते हैं, हल्की हल्की बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रशासन है वहाँ उनकी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है और इंतज़ार है सुबह 7 बजने का ताकि लोग यहाँ पर आए और अपना वोट कास्ट करें। TV9 भारतवर्ष की तरफ से भी लोगों को यह अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें क्योंकि आज जनता का ही दिन है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका है लोकसभा चुनाव में जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है और आज पहले फेज की वोटिंग जो है वो उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर हो रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।